हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए कुछ स्पेशल ब्यूटी टिप्स। जी हाँ, हर उम्र में चाहत होती है कि हमारी स्किन ग्लो और बेदाग रहे, लेकिन आज के समय में सन टैन, डल, रिंकल्स, स्केयर्स और पिगमेंट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे बहुत से स्किन प्रोडक्ट आते हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि आपकी स्किन को गोरा और बेदाग बना देगा। ज़रूरी नहीं है कि ये काम करें, इसलिए मैं आपके लिए हल्दी से बनी एक नाइट सीरम के बारे में बता रही हूँ, जिसका इस्तेमाल कर आप इन समस्याओं से आसानी से निजात पा सकते हैं। इसके बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बगल में दिए हुए बेल को जरूर पिन करें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिले। तो चलिए जानते हैं इस नाइट सीरम के बारे में। इसके लिए आपको चाहिए टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, एरोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल। जहां टर्मरिक एसेंशियल ऑयल एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि स्किन से डार्क स्पॉट हटाने के साथ साथ स्किन को ग्लोइंग करता है। इसका यूज़ आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्वीट आलमंड ऑयल, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन को पंप करने के साथ साथ मॉइस्चराइज और ग्लोइंग करता है। एलोवेरा जेल, इसके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ये स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, हीलिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहती है। तो चलिए बनाते हैं। इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, 4 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच आलमंड ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें कुछ बूंदें विटामिन ई की डालकर मिक्स करें और इसे आप किसी कंटेनर में भरकर फ्रिज में 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसे रोजाना सोने से पहले कुछ बूंदें अपने चेहरे में अच्छी तरह लगा लें और दूसरे दिन अपने अनुसार धो लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल करने से पहले इसको हाथ में थोड़ा लगा के देख लें कि ये आपको सूट कर रहा है कि नहीं। और हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन इसे करने से पहले डॉक्टर की जरूर सलाह लें। टर्मेरिक एसेंशियल ऑयल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। बाय फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारा ऐसा ही और लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।